स्टार्ट हो चुका है और हमारे सबीर भाई पतंग को रेडी करके छोड़ रहे हैं मांझा से, और साथ में हमारा विश्वजीतदा है वो भी पतंग छोड़ रहे हैं। अभी तो बस खेला चालू हुआ है दोस्तों, बस थोड़ा देर बाद ही आपको मज़ा आएगा दोस्त, तो देखते रहिए, काफ़ी अच्छा गेम होने वाला है। देख सकते हैं जुनेद भाई की रॉयल बोल्ट, जैसा मांझा वैसा रंग, और सबीर भाई का पसंद। क्या सबीर भाई, जैसे देख सकते हैं ऊपर वाला पतंग है हमारे विश्वजीतदा लड़ा रहे, और एगेंस्ट की तरफ से हमारा चिंटू किसी के मेंबर, तो अभी पेच फंसा है हल्का सा, नीचे से चेहरा अंदर लेकर आते हुए हमारे गणेश भाई मेरे ख्याल से जितने तक लग रहा है चिंटू किसी के तरफ से। और पतंग देखिए किस तरह से भर्री छोड़ के हमारे विश्वजीतदा पतंग को बना रहा है, जगह एकदम नहीं दे रहा, हवा की डायरेक्शन आज थोड़ी सी गड़बड़ आ रही है, तो जैसे कि थोड़ी सी अंदर की तरफ लेकर बैठते हुए विश्वजीतदा पतंग को, जगह एकदम बहुत बढ़िया बनाया है, और बाहर की तरफ हल्के हाथों से विश्वजीतदा बहुत तगड़ा तरह से निकालते हुए नीचे की तरफ दिखाया गणेश ने, फिर विश्वजीतदा अंदर की तरफ हल्की से, जगह काफ़ी बढ़िया बना रहे, फिर अंदर की तरफ टावर गद्दा लेकर बैठे, फिर ऊपर की तरफ हल्के हल्के हाथों से बहुत तगड़ा खींच कर हमारे विश्वजीतदा की पतंग कट गई, अंदर दिखा दिया, बहुत बढ़िया रुख था उनकी, हवा भी काफ़ी तेज़ आ गया है, अभी भी हमारे विश्वजीतदा की पतंग कट गई है। अब हमारे सबीर भाई जाएंगे पतंग लगाने के लिए, और इधर देख रहे पहाड़ीदा हमारे टीम के सीनियर प्लेयर पतंग को रेडी करते हुए, और भाई भी देखिए पतंग को रेडी कर लिए, भाई आ गया है। तो गुड आफ्टरनून भाई, कैसे हो? बस एकदम ठीक, बहुत लेट हो गया आज आपको आने में। बस सर घर में काम रहते, सब सेटा गया ना भाई। चलो ठीक है, तो जैसे देख रहे दोस्तों अभी सबीर भाई ऊपर से जाएंगे पतंग लड़ाने के लिए, और नीचे से आ गए हमारे मनोज भाई लड़ाने के लिए, जगह देखिए कितनी अच्छी बना रहे हैं सबीर भाई, ऊपर से ले जाके पतंग को चला के रखा है, थोड़ी सी हवा में कमी आने के कारण वो बैठ नहीं रहे थोड़ी सी, और देखिए घसने के चक्कर में, और देखिए अंदर की तरफ में हल्के हाथों से बैठते हुए हल्के हल्के चला रहे हैं सबीर भाई हमारे, जगह एकदम दोनों नहीं छोड़ रहे, दोनों अच्छे प्लेयर हैं, और जैसे कि अभी देखिए घसने के चक्कर में सबीर भाई रखे हैं, और टैपर गद्दा बहुत तगड़ा मारे हैं नीचे की तरफ, और भाई की पतंग कट के चले गई बहुत बढ़िया, हम बोले ना सबीर भाई की हाथ में इतनी खिंचाव है कि खींच कर पतंग को तोड़ देते हैं, हमारे सबीर भाई मुस्कराता होगा, पतंग बहुत बढ़िया काटा है हमारे वेलीदा है हमारे टीम के सीनियर प्लेयर चरखी लपेटते हुए। ये हम लोग की अगेंस्ट टीम चिंटू केसी के सारे मेंबर दोस्तों, देख सकते हैं अनिल भाई की पसंदीदा पतंग है, और अभी हमारे अनिल भाई पतंग को छोड़ेंगे, अंदर से हमारे सभी भाई पतंग को लेकर जाते हुए अंदर दिखाया, और ये बहुत तगड़ा खींच कर सबीर भाई ने पतंग को काट दिया दोस्तों, बहुत बढ़िया खींच खींच के ले लिया दोस्तों, देख सकते हैं सभी भाई नीचे से पतंग लड़ाते हुए, और बहुत टैपर गद्दा लेके बैठा और अंदर की तरफ में झटकी देकर सभी जो भाई ने पतंग को बहुत बढ़िया काटा दोस्तों, खोला तो फिर से हमारे सभी भाई पेट की तरफ से जाते हुए डीकेसी की तरफ से, और पतंग को बना रहे कितनी बढ़िया तरह से जगह पर, और अंदर की तरफ बहुत अच्छा खींच के काट दिया सबीर भाई ने पतंग को, बहुत बढ़िया पेस सबीर दोस्तों, फिर से हमारे फिर से देख सकते फिर से नीचे से हमारे सबीर भाई पतंग लड़ा रहे, ये इनका चार नंबर पीछे पीछे है, और जैसे कि देख सकते पतंग को जगह पे लेके बनाया है सबीर भाई, बहुत बढ़िया चला रहे बाहर की तरफ इशारा करते हुए, और ये टैपर गद्दा बहुत जोरों से खींचते हुए सबीर भाई पतंग अभी तक नहीं आई है, दोनों की पतंगे गाज के पास से निकलते हुए पतंग, और अंदर की तरफ दिखाया हल्के हल्के सबीर रख दिया, और ये सबीर भाई की पतंग कट गई है, बहुत बढ़िया पेच था सबीर भाई का, बट झोल नहीं आने के कारण सबीर भाई की पतंग कट गई, बहुत अच्छा टैपर गद्दा जो भी मारा था बहुत अच्छा, आने के लिए रेडी हो रहे, ऊपर से लड़ेंगे पहाड़ी भाई और नीचे से लड़ेंगे हमारे चिंटू केसी के मेम्बर से, एक्चुअली क्या है कि छत की पोजीशंस थोड़ी दूर है तो इसलिए नहीं बता सक रहा हूँ नाम जो लड़ा रहे, बट पेच काफ़ी बेहतरीन दोनों के तरफ से दोस्तों, तो देखते रहिए
पतंग को बहुत बढ़िया जगह में लाया है चमका के। पहाड़ी की पतंग पूरा ऊपर में टॉप एट द टॉप में रखा है। एक पतंग आ रही है फ्रेम में, अब दूसरी पतंग भी आ चुकी है फ्रेम में। दोस्तों जैसे दिखा रहा हूँ मैं आपको, देखते रहिए। पहाड़ी भाई बहुत तगड़े जगह पर पतंग को चला रहे हैं, और अगेन से थोड़ी सी बाहर मुंडा दिखाने की कोशिश, उनको फिर से अंदर आया बैठ के हल्के हाथों से ऊपर तरफ में रेडी कर रहे पतंगे। और जैसे कि पेच सही भी हो चुका है, पहाड़ी पतंग को बहुत बढ़िया जगह पे पतंग को टेंपर करते मारने की तैयारी में है। और ये देखिए बहुत तगड़ा से खींच कर पहाड़ी भाई ने पतंग को काट दिया, बहुत अच्छा पहाड़ी भाई की तरफ से पेच। या पतंग लड़ाए थे बट थोड़ी सी गाछ सामने में आ जाने के कारण उनकी पतंग कट गई। इशारा बहुत अच्छा किया था उन्होंने अंदर, बट थोड़ी को ऑलरेडी आसमान में लड़ा दिया। और ये भी प्लास्टिक गुड्डी आके लगा अनिल भाई की सद्दी ने और कट के चले गया उनकी। देख सकते ये पतंगे गिर रही है, और ये मेरे ख्याल से पौंड में जाकर गिरेगी। दोस्तों देख सकते हैं पौंड में एक बच्चा पतंग को लूटने के लिए रेडी, और अभी ये वाली मजा आ जाएगी आपको। पतंग गिर गया है, नीचे से लड़ाने के लिए रेडी हो गया है, और ये चल गया पतंग की तरफ। हम नीचे से पहाड़ी भाई की पतंग लड़ेगी, ऊपर से हमारे चिंटू किसी के। तो जैसे कि देख सकते हैं पतंग लेके देखिए बैठा है, पतंग को रेडी कर रहे हैं, और पहाड़ी भाई बहुत तगड़ा नीचे की तरफ क्रॉस टान कर काट दिया दोस्तों। बेली जा के अंदर में पतंग लेके चल रहा है, और कितनी बेहतरीन नज़ारा है दो पतंगे की। और ये देखिए लग गई है, और ये देखिए ऊपर में उठाया बेली दा, और ये बेली दा की पतंग, दोनों की पतंगे कांप रही है, और अभी पता चल जाएगा क्या होगा दोस्तों। कितनी बेहतरीन जगह पे पेचा फंसी है, बस अभी पता चलेगा जिसकी जाएगी पतंगे। और देखिए हम लोग की तरफ से, और ये पतंग और हमारे आ रहे हैं जगह पे लेके रखा है, और ये चक्कर तीन दिन पतंगे एक साथ लग गई है। और अभी फैसला दोनों की पतंग बहुत बढ़िया तरह से आ रही, अनिल भाई ने ऊपर से रख दिया, और ये चक्कर और ये जो पेच हो रहा है भाई देखने लायक। और देखिए फिर से पेचा भी आ गया दोस्तों, दूर पे जो है पेचा चालू हो चुका है। तो नीचे से फिर पहाड़ी भाई लड़ा रहे हैं, और ऊपर में तो ऑलरेडी एक पेचा चल ही रहा है, और दूर वाली पतंगों का आपको और ये देखिए चैपर गद्दा लगा, और पतंग अभी कटेगी, देखिए अभी भी नहीं कटा है, और ये खींच कर देखिए अभी भी नहीं देखी भाई बहुत मजा की बात हो रही है। सामने भी पतंग लग रही, देखिए नीचे से लड़ा रहे हमारे पहाड़ी भाई पतंग को, जगह कितने अच्छे बना रहे हैं वो, बहुत बढ़िया जगह पे पतंग चलाते हुए हमारे पहाड़ी भाई। थोड़ी सी भर्री दिखाया है, अंदर की तरफ इशारा करते हुए। जगह तो देखिए अंदर पे ले गया है, और ये देखिए बहुत तगड़ा खींच कर काट दिया दोस्तों, बहुत बढ़िया पेच था भाई के द्वारा, और अभी तक ये पेच हुआ नहीं, और एक कट गया हम लोग की इधर की पतंगे। भाई तीन पतंगे काटा क्या पहाड़ी भाई, तीन पतंग काटा है। देखिए अभी कट गया बाहर की पतंग से, क्या बोलेगा इसको बेलीदा को। ये देखिए अनिल भाई की पेचा, और ये खींच कर अनिल भाई ने पतंग को काट दिया, और फिर से देख सकते हो दोस्तों, फिर से पेचा दिखा रहा हूँ हमारे पहाड़ी भाई की, फिर से नीचे से लड़ा रहे पहाड़ी भाई। इसका आगे बहुत बढ़िया काटे थे, जगह पे बनाए पहाड़ी भाई, नीचे की तरफ हल्का सा फिर आया पतंग को, और ये देखिए नीचे की तरफ सिर्फ कन्ना की तरफ अटैक होते हुए भाई, और ये बाहर कर लेंगे पतंग को। देख सकते हो दोस्तों पहाड़ी भाई नीचे से अटैक करते हुए, जगह नहीं दे रहे थे, अभी बचा लिया पतंग को। एगेंस्ट भी काफ़ी बढ़िया पेच, और जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखते रहिए पहाड़ी भाई की पतंग नीचे से लड़ रही है, और ऊपर से हमारा चिंटू कैसी जगह देखिए बना रहे दोनों बाहर की तरफ दिखाते हुए। देख सकते हो दोस्तों एकदम जगह पे लेकर रखकर अंदर की तरफ मारते हुए हमारे पहाड़ी भाई की पतंग कट गई, बहुत बढ़िया अटैक था ऊपर से। भैया रेडी हो गए हैं, जैसे कि मैं बता रहा हूँ बहुत बढ़िया पेज लड़ा था अनिल भैया, देख सकते हो ऊपर से हमारा अनिल भाई, और पतंग को बहुत बढ़िया से चला रहे हैं, और ये बहुत और ये देख सकते हैं
चक्कर देते रहना पड़ेगा। और बोल नहीं सकते क्या हुआ अभी, बहुत तगड़ा अटैक था दोनों की ओर से। लड़ा रहे दिख रहे हैं नीचे से चिंटू कैसे के मेंबर से, और अनिल भैया अटैक करते हुए। ठीक है, कमाने नहीं हो, लड़ा दो यार, कटेगा तो करना कट जाएगा। बहुत बढ़िया, अंदर की तरफ दिखाया और ये नीचे की तरफ भागते हुए पतंग लेकर करना ही कट जाएगा। तो जैसे देख रहे, फिर से पीछा दिखा रहा हूँ, पेच तो फिर से कंटिन्यू हुआ दोस्तों, दो बार पतंग अटैक हुआ बट पेच लगे। और ये देख सकते चलाया, और ये बहुत तगड़ा खींचा और अनिल भाई की पतंग कट गई। जस्ट अंदर दिखाया हल्का सा ओवर से जाते हुए, जगह बहुत बढ़िया बना रहे दोनों। बहुत पाल लड़ रही है दोनों की, देखिए किस तरह सबीर भाई पतंग को लेकर बैठा है। अंदर की तरफ हल्का सा दिखाते हुए, कन्ना की तरफ ज़्यादातर जा रहे हैं, नीचे की तरफ बहुत अच्छा बना रहे हैं, नीचे की तरफ पट मारने के चक्कर में। चला रहे बहुत बढ़िया पतंग, बहुत बढ़िया घसते हुए सभी भाई पतंग को। पेच बहुत अच्छा फंसा है दोनों को, और ये सभी भाई घस के जो काटा ना उसको याद रहेगा चार दिन तक। बहुत बढ़िया पेच सभी भाई का, इधर फिर से घूमे एक बार, ठीक है सकते वायरल अटैक एकदम, और बहुत तगड़ा अटैक किया है सबीर भाई, पतंग बचा लिए हल्का सा, ऊपर की तरफ खेंटने की कोशिश, बहुत तगड़ा खेंटा है लेकिन सपना पतंग लेकर पूरा ऊपर। और ये लग रहा है सबीर भाई की पतंग फंस गई है, थोड़ा सा पार कर लो मेरा भाई। फिर से देख सकते हैं दोस्तों पतंग को लेकर बैठा है नीचे की तरफ, और बाहर खींचने की कोशिश पूरा तगड़ा, और ये सबीर भाई की पतंग कट गई। हवा थोड़ी सी घूर गई है इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही पेच खेलने में। देख सकते हैं नीचे से लड़ाते हुए, और जगह एकदम बहुत अच्छा बना रहे दोनों। विश्व तगड़ा अटैक में लेकर बैठा है पतंग को बाहर की तरफ, बहुत पतंग को उठाते हुए बहुत तगड़े। और ये देखिए लेके रखा है बहुत जोर से, और ये हमारे विश्वविद्या की पतंग कट गई। सबीर भाई गया नीचे से लड़ाने के लिए पतंग, और जैसे कि इसके आगे बहुत बढ़िया पेच काटा था सबीर भाई पतंग को, देखिए अंदर की तरफ में लेके बैठा है सबीर भाई। मैं थोड़ी सी जगह बना रहा हूँ, और ये बहुत बढ़िया कट गया भाई, कट गया बहुत बढ़िया कटा। सबीर भाई अभी नीचे से पतंग लड़ाएंगे, अभी नीचे से लड़ाओगे सबीर भाई, फिर से सबीर भाई ऊपर से लड़ाने गए। इससे आगे बहुत बढ़िया काटे थे पतंग, जगह देखिए कितनी अच्छी जगह बनाया है सबीर भाई। और ये देखिए सबीर भाई की पतंग को खींच कर काट दिया, अभी हमारे सबीर भाई की पतंग कटी। सबीर भाई पतंग को रेडी कर रहे हैं, अभी शो ऑफ होना चाहिए, सही बात, एक दो गुड्डियां हमको उड़ाना नहीं है। जगह देखिए बनाया कितनी बढ़िया तरह से, और ऊपर से हमारे पहाड़ी भाई पतंग लगाने जा रहे हैं, और उस पतंग ने अभी तक दो पतंगे काटा है, ये नीचे से चिंटू केसी की तरफ से लड़ा रहे हैं। जगह एकदम नहीं दे रहे पतंग को चलाते हुए, जगह में ले आके रखा है पतंग को,
अगेंस्ट की पतंग काफ़ी पार में है। ये देखिए टैपर मारा है और बहुत बढ़िया नीचे पट मार के काट दिया पतंग का। ये बहुत बढ़िया अटैक था बट अगेंस्ट ने काफ़ी बढ़िया नीचे पट मार के काट दिया। सीधा पतंग कुछ करते हुए रेड रेड पतंग जाएंगे पतंग लगाने के लिए। हवा कम है थोड़ी सी, मैंने पतंग रेडी कर दिया और ऊपर से लड़ाएंगे। हमारा भी सीधा देख सकते हैं पिच जगह में आकर बैठ गया है दोनों को। जगह देखिए दोनों सिलेक्शन करते हुए बहुत बढ़िया जगह पे पतंग को बहुत तगड़ा खींचते हुए काट लिया अंदर की तरफ। अनिल भाई देखिए नीचे से पतंग को लेकर जाते हुए बहुत बढ़िया जगह है पतंग को लेकर रखा है। अंदर में घुस के थोड़ा सा रखो पतंग को, नीचे ही दिखाइए। और ये देखिए बहुत तगड़ा से खींचा और अनिल भाई की पतंग कट के चले गया। अनिल भाई बहुत आगे ही खींच दिया भाई, हमसे पतंग लेकर गया। बलिता देखिए पतंग को जगह में लेकर रखा और बहुत तगड़ा खींच के कट गया हमारे बलिता की पतंग। देख सकते हैं अभी सबीर भाई पेट की तरफ से पतंग लड़ाते हुए और ऊपर से हमारे चिंटू केसी की तरफ से लाल रहे पतंग। जगह एकदम नहीं दे रहे दोनों, थोड़ा सा सामने आ गया तब। तो देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही टैपर गद्दा और ये बहुत तगड़ा खींच कर काट दिया सब भी भाई ने पतंग को। दोस्तों देख सकते हैं हाथ की तरफ आने की कोशिश और पतंग को बाहर निकालते हुए जगह एकदम नहीं दे रहे दोनों। सबीर भाई बहुत बढ़िया अटैक करते हुए और ये देखिए बाहर की तरफ और ये बहुत तगड़ा मारा है, मार कर उछाल दिया। दोस्तों देख सकते हैं किस तरह से पतंग को उछाला है, नदी के बाहर कर दिया पतंग। सबीर भाई हमारे नीचे से लड़ाएंगे और जैसे कि नीचे वाली पतंग सबीर भाई की है टैपर गद्दा लेकर बैठा है दोस्तों देख सकते हैं। और ये देख सकते हैं चक्कर पे रख दिया पतंग और कट गया। बहुत बढ़िया कट गया भाई। सबीर भाई नीचे से, सबीर भाई देखिए कितनी अच्छी जगह है पतंग को लेकर आते हुए। बहुत पार पतंग दोनों के द्वारा लड़ रहा है दोस्तों, जगह पे लेके रखा है। सबीर भाई खींचते हुए देख सकते हैं आप बहुत तगड़ा खींच रहे बाहर की तरफ और ये काट गया बाहर। देख सकते हैं कैसा काटा है, बहुत बढ़िया पेज था उनके द्वारा। तो दोस्तों देख सकते हैं अभी सबीर भाई फिर से नीचे से लड़ाने गए पतंग, ऊपर से चिंटू किसी के मेंबर की तरफ से पतंग आ गया बाहर की तरफ सबीर भाई दिखाते हुए और टैपर गद्दा मारा है, बहुत तगड़ा मार रहा है देख सकते हैं। और नीचे करके सबीर भाई ने बहुत बेहतरीन पेज काटा दोस्तों, इतनी बढ़िया पतंग काटा है आपको क्या बोले, दिल खुश हो जाएगा आपका। और ये हमारे सबीर भाई को भी हम दिखाएंगे, बहुत बढ़िया पेज था उनके द्वारा। ये रहा हमारा सबीर भाई, बहुत बढ़िया पेज और स्कोरिंग कर रहे हमारे भाई, बहुत अच्छा एगेंसी टीम भी काफ़ी बेहतरीन पतंग लड़ाते हुए। अरे हमारे सबीर भाई की अभी नीचे से पतंग की लड़ेगी, ये 7 नंबर पेज है उनका और इसके आगे 6 पतंग उन्होंने बहुत बढ़िया काटा है। जगह देखिए बनाया कन्ना की तरफ हल्के हल्के अटैक करते हुए एगेंसी की तरफ से पतंग। देखिए किस तरह से सबीर भाई पतंग को बाहर की तरफ दिखाते हुए और ये रहा पतंग जगह पे चली जाती है और बहुत तगड़ा खींच कर सबीर भाई की पतंग कट गई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया अटैक था
बट सत्ता उनकी में बहुत बढ़िया पीछा लड़ाए थे गाछ के कारण से। हमारे पहाड़ी भाई पतंग लड़ाते हैं, देखिए अटैक बहुत पार कर लिए पतंग को। पहाड़ी भाई की पतंग बहुत ही अच्छी खासी पार हो गई दोस्त। नीचे से हमारे चिंटू कैसे के मेंबर लड़ाते हुए दोनों को जगह नहीं दे रहे, एकदम पोजीशंस काफ़ी बढ़ थी दोनों के द्वारा। हल्की सी जूम करके दिखा रहा हूँ, बहुत चिराव रखा है दोनों। ऊपर की तरफ हल्के अटैक करते हुए देख सकते हो दोस्त। দেখো এখন প্যাচ হচ্ছে, ঠিক আছে প্যাচ হচ্ছে ভাই, বহুত বড়িয়া প্যাচ হয়ে রয়ে প্যাচ মে থোড়ি সি দেরি হয়ে রই হ্যায়, দেখ সকতে আপ দোস্তো বহুত বড়িয়া জায়গা পে পতঙ্গ দোনো রে রাখা হ্যায়, ওই অন্দর কি তরফ ঝিটকি মার কে ফির সে উঠা রে দোনো বহুত বড়িয়া। और ये रख दिया पतंग, और ये पहाड़ी भाई की पतंग कट के चले गए। क्या वहाँ अनिल भाई फिर से ऊपर से लड़ा रहे पतंगे, और पहाड़ी भाई पतंग लड़ाते हुए हमारे देख सकते हो, और अभी जगह पे बनाया है। और ये देखिए तगड़ा खिंचाई पहाड़ी की तरफ से रख दिया पतंग, नीचे से लड़ा रहे पहाड़ी भाई पतंग को, फिर से ऊपर उठा लिया पहाड़ी भाई। बहुत बढ़िया जगह पे पेश होते हुए दोनों की, नीचे से जा रहे लड़ाने के लिए हमारे पहाड़ी भाई, और ऊपर से चिंटू के साथ जगह पे देखिए बनाया कितने अच्छी तरह से। और ये देखिए बहुत तगड़ा खींच कर काट दिया पहाड़ी भाई ने, बहुत बढ़िया पेस। और ये पहाड़ी भाई ने अभी भी काटा है, तीन पतंगे से हम लोग आगे हो गए अभी, और बहुत बढ़िया जुगान अगेंस्ट की तरफ से। थोड़ी सी हम लोग की जुगान कम गई थी क्योंकि हम लोग की छत की जो पोजीशन थी बहुत छोटी थी, और अभी हम लोग की तरफ से है चार जुगान है, कोई बात नहीं है। देख सकते हैं विश्वविद्या ऊपर से पतंग लड़ाते हुए जगह पे देखिए रखा है पतंगे थोड़ी सी, और ये विश्वविद्या ने बहुत बढ़िया पिच स्मेल हेवी अल्फ्रेड अंकल की पतंग थी ये वाली दोस्तों, बहुत भारी पतंगे है। कतो भारी को बाप रे, बहुत भारी है यार पतंग, इतनी भारी पतंग है देख सकते हो बाबा। देख रहे पहाड़ी भी हंस रहा है, बहुत भारी पतंग ऊपर से लड़ा रहा चिंटू के, नीचे से हमारे ढाकुरिया किसी से हमारे कप्तान। बहुत बढ़िया जगह पे पतंग रखा है दोनों बहुत बढ़िया पतंग लड़ा रहे हैं। नीचे वाले लड़ा रहे विश्वजीत दा, और जैसे देखते शंख की आवाज भी आ चुकी है। थोड़ी सी अंधकार हो जाने से थोड़ी सी अच्छी नहीं आती है कैमरा। और ये तगड़े हाथों से विश्वविद्या ने खींच के काट दिया फिर विश्वविद्या ने काट दिया। अल्फ्रेड अंकल की पतंगे हैं, बहुत अच्छा गेम हुआ आज, हार जीत का कोई बात नहीं है क्या अनिल भैया? पेच बहुत अच्छा लड़ा है, स्कोर हुआ है 22-17 22-17 कोई बात नहीं है, बहुत अच्छा हुआ है, बहुत बढ़िया पेच दोनों के द्वारा काफी अच्छा। सबीर भाई जाएंगे पतंग लगाने के लिए दोस्तों, देख सकते हैं अंधकार हो गया है, और देखता हूँ कि हमारी मोबाइल से आएगी कि नहीं पिक्चर। भाई देखो नहीं ना छाजे
अरे सबीर भाई पतंग लड़ा रहे और ऊपर से हमारे चिंटू केसी के मेंबर जगह बना रहे। सबीर भाई देखिए कितनी धीमे धीमे हाथों से ऊपर उठाते हुए और बहुत तगड़ा खींचा है और खींच कर सबीर भाई ने पतंग को काट दिया। बहुत बढ़िया, रात अंधकार हो चुकी दोस्तों, देख सकते हैं अंधकार हो गया, लाइट जल चुका है, इसके दौरान भी पेच हो रहा है और पूरे ही अंधकार है, देख सकते हैं छत भी अंधकार हो रही है और इस सबको एकदम पतंग की तरफ जोरदारों से देख रहे हैं और पहाड़ी भाई पतंग को लपेट रहे हैं और ये सबीर भाई ने भी बहुत बढ़िया पेच काटा दोस्तों, आप देख सकते हो। और ये लास्ट मोमेंट आ गया हम लोगों का।